Dear students, welcome to online classes from St. Angel's Public School. We are working from our home. That's why we are providing you online classes. Today through online classes, we will discuss in Science of Classics, Chapter 3. And today's topic is Solution and Solubility. So all students, open page number 46. When some salt is added to water and stirred, the salt disappears. जब कुछ सॉल्ट को हम वाटर में ऐड करते हैं और स्टीर करते हैं, स्टीर मतलब घोलना, हिलाना या चलाना, द साल्ट इज डिसअपीयर्ड, साल्ट कैसा होता है, गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज द सॉल्ट हैज़ डिसोल्व इन वाटर. इसका कारण यह है कि सॉल्ट वाटर में डिसोल्व हो चुका है. Dissolving is a change where substances mix completely with the liquid they have been added to. Dissolving एक चेंज है जहाँ पर substances liquid में completely mix हो जाता है जिन्हें liquid में add किया गया हो. या ये भी कह सकते हैं dissolving एक चेंज है जहाँ substances को liquid में add करने पर लिक्विड में कम्प्लीटली मिक्स हो जाए या पूरी तरह से मिल जाए. नॉट ऑल सब्सटेंसेस डिसोल्व इन वाटर, सभी सब्सटेंसेस वाटर में डिसोल्व नहीं होते, नहीं घुलते हैं. ओनली सम सब्सटेंसेस सच एज सॉल्ट एंड शुगर डिसोल्व इन वाटर एंड आर नोन एज सोल्यूबल सब्सटेंसेस. केवल सम सब्सटेंसेस सच एज सॉल्ट एंड शुगर, नमक और चीनी वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं और इसीलिए वे सोल्यूबल सब्सटेंसेस के रूप में जाने जाते हैं. सोल्यूबल मीन्स घुलनशील. सब्सटेंसेस सच एज चॉक एंड सैंड डू नॉट डिसोल्व इन वाटर एंड आर नोन एज इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस सच एज चॉक एंड सैंड, सैंड रेत वाटर में डिसोल्व नहीं होते, नहीं घुलते हैं, इसलिए ये इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस के रूप में जाने जाते हैं, अघुलनशील सब्सटेंसेस के रूप में जाने जाते हैं. द सब्सटेंसेस दैट डिसोल्व इज कॉल्ड द सोल्यूट. जो सब्सटेंस डिसोल्व किया जाता है या घोला जाता है वो सोल्यूट कहलाता है. एंड द सब्सटेंसेस इन विच द सोल्यूट डिसोल्व इज कॉल्ड द सोलवेंट. और जिस सब्सटेंस में सोल्यूट को डिसोल्व किया जाता है, घोला जाता है, उसे सोलवेंट कहा जाता है. द रिजल्टिंग मिक्सचर इज कॉल्ड द सोल्यूशन. और रिजल्टिंग मिक्सचर मीन्स सोल्यूट और सोलवेंट का मिक्सचर क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा, घोल कहलाएगा. दस इस प्रकार सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर इक्वल टू शुगर सोल्यूशन. शुगर, शुगर क्या है यहाँ पे, सोल्यूट है. वाटर क्या है, सोलवेंट है. और इन दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या आएगा हमारा, शुगर सॉल्यूशन.